हेलो एवरीवन, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेकंड वीडियो है और मेरा नाम राजीव है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में और कौन सा आईडीई हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए। सो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहला वीडियो देख लो, फिर सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू करो। सो हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें, इस बारे में बात करें कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। उससे पहले एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। सो ये प्रोग्राम को हम कहाँ लिखेंगे? विजुअल स्टूडियो कोड मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बट अभी इसमें नहीं लिखेंगे, अभी हम ब्राउजर के कंसोल में लिखेंगे। ओके और अगले वीडियो से हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे। सो ब्राउजर का कंसोल क्या होता है? ब्राउजर जैसे मोजिला होगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, क्रोम हो गए, सारे ब्राउजर हैं, तो ब्राउजर को ओपन कर लो। अब इसका कंसोल कैसे ओपन करेंगे? राइट क्लिक करो और देखो इंस्पेक्ट दिख रहा होगा कहीं पे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इस साइड में हमारा कंसोल ओपन हो गया। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, इसमें से एक है कंसोल। तो अगर एक डेवलपर हो, आप एक प्रोग्रामर हो या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो जो ब्राउजर कंसोल है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि इसके बिना आप कोई प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, हर जगह इसका काम है। ओके सो ये हमारा कंसोल ओपन हो गया, राइट, ये कंसोल पे मैंने क्लिक कर दिया, कंसोल ओपन हो गया है। अब ब्राउजर के कंसोल में हम जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख के और रन कर सकते हैं। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी किसी को जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं आता, तो मैं एक सिंपल लाइन लिखने जा रहा हूँ। अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, सो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक सिंपल सा रूल है कि पहला प्रोग्राम हम हमेशा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। ओके रूल नहीं है, जस्ट जनरली सब लोग करते हैं। सो हम अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, कहाँ प्रिंट करना है? इस कंसोल में। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद पैरेंथिसिस ओपन क्लोज और इसके अंदर डबल कोटेशन में हेलो एंड देन वर्ल्ड। अब एंटर करते हैं, एंटर, देखो हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। ओके इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है? तो इन वेरी शॉर्ट, फंक्शन एक एंटिटी होती है जो किसी वर्क को, किसी एक पर्टिकुलर काम को करती है, किसी भी एक काम को करती है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग फंक्शन देखेंगे। अभी जस्ट कोड देखो कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। सो अलर्ट फंक्शन, ALERT, कोई भी फंक्शन होता है उसके आगे पैरेंथिसिस ओपन क्लोज होते हैं, तो अलर्ट के आगे पैरेंथिसिस ओपन क्लोज, और जो भी हमें प्रिंट करना है अलर्ट के अंदर डबल कोटेशन में देंगे। क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड। अब अलर्ट करेगा क्या? जैसे ही एंटर करेंगे और लाइन जैसे ही रन होगी अलर्ट कर देगा। कैसे अलर्ट करेगा? एक छोटा सा ऊपर पॉपअप विंडो आ जाएगा, बॉक्स बन के आ जाएगा, जिसमें यहाँ जो मैसेज लिखे हैं वो लिखा रहेगा। सो देखो एंटर करते हैं, ये देखो आ गया, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। ओके गायब। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। कंसोल डॉट लॉग कंसोल में प्रिंट करेगा, अलर्ट क्या करेगा? एक पॉपअप विंडो देगा और उसमें अलर्ट मैसेज देगा। इसके अलावा कंसोल में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 = 5, 25 × 9 = 255। सो इस तरीके से कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, बस मुझे ये इतना दिखाना था कि किस तरीके से हम कंसोल में प्रोग्राम लिख सकते हैं, और दूसरी चीज़ मुझे ये दिखानी थी कि आप लोग एक जस्ट फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम देख लो कैसा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है, थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। सो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद एक एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।